गुड मॉर्निंग सेवन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेकेंड चैप्टर, दैट इज सन मून एंड अर्थ. सबसे पहले हम लोग आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलार इक्लिप्स. सोलार इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण कैसे होता है. सो पहला पॉइंट, सोलार इक्लिप्स ऑकर ऑन न्यू मून डे. सोलार इक्लिप्स हमेशा न्यू मून डे पे होता है, बट नॉट ऑन एवरी न्यू मून डे. हर न्यू मून डे पे नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट, इफ एंड ओनली इफ सन मून एंड अर्थ आर इन द सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन देन सोलार इक्लिप्स ऑक्योर. सोलार इक्लिप्स कब होता है? जब सन मून और अर्थ, पहले सन आता है फिर मून आता है फिर अर्थ आता है, ये तीनों अगर एक लाइन में रहेंगे तो ये सोलार इक्लिप्स होता है. एंड थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सोलार इक्लिप्स इज 7 मिनट्स 20 सेकेंड्स. मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है 7 मिनट 20 सेकेंड्स का है. इज दिस क्लियर? लूनार इक्लिप्स का क्या है? लूनार इक्लिप्स ऑक्योर ऑन फुल मून डे. ये फुल मून डे पे होता है, बट नॉट ऑन फुल एवरी फुल मून डे. सेकेंड पॉइंट, लूनार इक्लिप्स ऑक्योर इफ एंड ओनली इफ सन अर्थ एंड मून आर इन सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन. इसमें क्या होता है? पहले सन आएगा फिर अर्थ आएगा तो मून आएगा, तीनों एक लाइन में रहेंगे तो ही होगा. एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटल लूनार इक्लिप्स इज 10 मिनट. इसका 107 मिनट मैक्सिमम ड्यूरेशन जो 107 मिनट का है. क्लियर हो गया? दोनों का डिफरेंस समझा? सोलार इक्लिप्स होता है न्यू मून डे पे, लूनार इक्लिप्स होता है फुल मून डे पे, राइट? सेकेंड पॉइंट, इसमें पहले आना चाहिए सन फिर मून और अर्थ. इफ सन एंड मून एंड अर्थ आर इन द सेम प्लेन एंड इन वन लाइन देन सोलार इक्लिप्स ऑक्योर. इसमें कैसे है? सन इसमें है, सन अर्थ एंड मून. उसमें क्या था? पहले वाले में क्या था? सन मून अर्थ, तो ही सोलार इक्लिप्स होगा. लूनार इक्लिप्स में क्या है? सन अर्थ एंड मून, देन ओनली लूनार इक्लिप्स हैपेंड. एंड थर्ड पॉइंट इसका था 7 मिनट 20 सेकंड्स लगता है, 440 सेकंड्स लगता है, और इसको 107 मिनट लगता है. इज दिस क्लियर? तो दोनों का डिस्टिंग्विश क्लियर हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई शुड वी आर नॉट ऑब्जर्व सोलार इक्लिप्स विद नेक्ड आईज. मतलब हमको सूर्य ग्रहण खुली आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए? इसका रीज़न, हमारी आंखें खराब हो सकती है. देखो, वाइल ऑब्जर्विंग द सोलार इक्लिप्स इट इज़ नेसेसरी टू व्यू द सन डिस थ्रू डार्क ग्लासेस और स्पेशल ग्लासेस मेड फॉर दैट पर्पज. ये एडवाइस दिया जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण देखना रहेगा तो हमको डार्क ग्लासेस या स्पेशल गॉगल्स के थ्रू देखना चाहिए. अदरवाइज द इंटेंस लाइट ऑफ द सन कैन बी हार्मफुल टू द नेक्ड आईज. अदरवाइज अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है. इज दिस क्लियर? तो समझ गया, सोलार इक्लिप्स को, सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारी आंखों को नुकसान कर सकता है. इसके लिए डार्क चश्मा या गॉगल यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, एक्सप्लेन ऑक्यूलेशन एंड ट्रांजिट. ऑक्यूलेशन क्या होता है? दिस इज टाइपिकल इवेंट ऑक्यूरिंग इन स्पेस. मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, वाइल डूइंग सो इट ऑब्सक्योर्स ए स्टार और प्लैनेट एंड दैट सेलेस्टियल बॉडी अपीयर्स टू हाइड बिहाइंड द मून. दिस इज कॉल्ड ऑक्यूलेशन. मतलब होता है, मून जो है अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाते हैं. चक्कर लगाते लगाते क्या होता है, कुछ सेलेस्टिकल बॉडी, कोई स्टार जो है मून के पीछे जाके छिप जाते हैं, मून के पीछे छिप जाता है, उसी को बोलते हैं ऑक्यूलेशन. ठीक है, वापस बता दो. देखो, दिस इज टाइपिकल इवेंट. ये टाइपिकल इवेंट है. ऑक्यूरेंस हमेशा होते रहते हैं. मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. व्हाइल डूइंग सो इट ऑब्सक्योर्स अ स्टार और प्लैनेट एंड दैट सेलेस्टियल बॉडी अपीयर्स टू हाइड बिहाइंड द मून. वो कभी कभी मून क्या होता है, किसी स्टार के ऊपर आ जाता है और स्टार जो है मून के पीछे छिप जाता है, उसी को बोलते हैं ऑक्यूलेशन. तो आपको पॉइंट वाइज याद करना है. पहला पॉइंट, दिस इज टाइपिकल इवेंट ऑक्यूरिंग इन स्पेस. फर्स्ट पॉइंट है, एक टाइपिकल इवेंट है, स्पेस में होता है. सेकेंड पॉइंट, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून जो अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाता है. थर्ड पॉइंट, व्हाइल डूइंग सो इट ऑब्सक्योर अ स्टार और प्लैनेट एंड दैट सेलेस्टियल बॉडी अपीयर्स टू हाइड बिहाइंड द मून. ये करते समय कुछ स्टार और प्लैनेट क्या होते हैं, मून के पीछे छिप जाते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑक्यूलेशन. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्यूलेशन. नेक्स्ट है ट्रांजिट. तो टोटल इसको समझ गया, तीन पॉइंट करना है. दिस से लेके स्पेस तक पहला पॉइंट, मून से लेके अर्थ तक सेकंड पॉइंट, वाइल डूइंग सो से लेके मून तक थर्ड पॉइंट, एंड ये ऑक्यूलेशन. नेक्स्ट, ट्रांजिट. इफ एन इनर प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी वेनस कम्स इन बिटवीन द लाइन ऑफ अर्थ एंड सन एंड ट्रांजिट ऑक्योर्स. अगर इनर प्लैनेट जैसे मर्क्यूरी होगा, वेनस हो गया, अर्थ और सन के लाइन में आते हैं. किसके लाइन में आते हैं? अर्थ और सन के लाइन में आते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांजिट. हाँ, इफ एनी अदर प्लैनेट, इनर प्लैनेट लाइक मर्क्यूरी और वेनस कम्स इन बिटवीन द लाइन ऑफ अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में आ जाते हैं, ट्रांजिट होकर उसको ट्रांजिट बोलते हैं. इज दिस क्लियर? तो
ऑक्यूलेशन समझा। ऑक्यूलेशन में क्या था, मून जो है अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हुए टाइम कोई स्टार जो है मून के पीछे छिप जाता है, उसी को बोलते हैं ऑक्यूलेशन। ट्रांजिट में क्या होता है, कोई इनर प्लैनेट जैसे मर्क्यूरी हो गया, वेनस हो गया, अगर वो अर्थ और सन के लाइन में आ जाते हैं तो उसको ट्रांजिट बोलते हैं। इज दिस क्लियर? देन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑक्यूलेशन एंड ट्रांजिट, टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर एंड टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।